राजौरी गार्डन में हेयर कलर कराने, देखते हैं कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हाय गाइस, वेलकम टू सिक्स थर्टी ब्लॉग। मैंने पहले सोचा था मैं घर से ब्लॉग बना लूँगी जब भी, बट याद नहीं रहा। सो गाइस, बेसिकली एज यू ऑल नो, शादी प्रेप्स आर गोइंग ऑन और मैं आई थी गाइस राजौरी गार्डन। तो एज यू कैन सी, मैंने कहा अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है पहले कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बता देना, मेरे को बहुत डर लग रहा है अपनी घर से जाके मम्मी को पसंद आया कि नहीं है या बाकी लोगों को देखते हैं। ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है, सब अच्छा बता रहे थे। गाइस अब हेयर कलर तो हो गया डन, अब जब मार्केट आए हुए तो सोच रही शादी की बहुत सारी चीज़ें भी रह ही रही हैं पेंडिंग शॉपिंग, तो कर ही लेते हैं थोड़ी सी। चल मैं क्या लूँगी, लेट्स सी, देखते हैं क्या पसंद आता है। हो गया एज ऑलवेज, वैसे मेरा गला ख़राब है बट फिलहाल बहुत ही भूख और प्यास दोनों लग रहे हैं। मैंने कहा पैक करा लिया क्योंकि टाइम नहीं है इतना, वहाँ मैं रुकती और खाती तो इसी वजह से पैक करा लिया। सब मेरे स्टेरेटोज इतनी देर से घूम रही थी मैं, इतनी कन्फ्यूजन हो गई कौन सी लूँ कौन सी नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से में बड़ा मंगवाया भैया आपने, फ्लावर वाले में? हाँ ये दोनों। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, साइज नहीं आया मेरा अभी तक। ये वाला पैक करो। इससे चलते मेरी नज़र पड़ गई एक और वैल्यू पे, वो थी ये वाली, मुझे बहुत सुंदर लगी। भैया इसका साइज लेके आ रहे हैं, एक तो कंफ्यूजन हो जाती है ये लो इतने सारे डिजाइन होते हैं। तो मैं जा रही थी बट मैं जाते जाते एक और ये दिख गई, तो मुझे पसंद आ गई, काफी लूज लग रही है आगे से। कैसी लग रही है घर, जब मैं वहाँ से निकली थी हेयर अपना हेयर कलर मतलब हेयर कलर करा के, तो उन्होंने कर्ल्स किए थे और अब देखो मेरे बाल पूरे स्ट्रेट हो चुके हैं। तो मेरा ये बहुत माइनस पॉइंट है कि मेरे बाल इतने सिल्की हैं कि उन पर कर्ल्स नहीं टिकते, और इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कभी करा ही नहीं पाती हूँ कर्ल्स, बस दो घंटे में ये सीधे हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, अब मैं दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या खरीदा था। वेट, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, नाइस अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे डिफरेंट हुए हैं इस बार पहले से। तो अब मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या लाई हूँ और बताना कैसी हैं। पता है उसने मुझे गलती से वो दे दिया, एक साइज बड़ा दे दिया, फिर मुझे वापस बुलाया। बहुत अच्छा है, मेट्रो में नहीं बैठी थी वहीं खा रही थी मैं मेरी चाय। उन्होंने बाद में देखा होगा फिर। हाँ, ये मैंने एक लिया दिखा ना, बहुत सुंदर है ये, अच्छी लग रही ना। हील्स नहीं ली मैंने एक भी भाई, ज्यादा मेरे पैर मुंडे लगे ना, मैं नहीं ली हील्स। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, कलर अच्छा लग रहा है ना, सब पे जाएगा। ये नेट में है ये दिखाओ, एक ये दी इसमें बहुत प्यारा कलर था, एक सिल्वर और एक ये, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। ये भी मैंने ज्यादा हील नहीं ली, ये मेरे ज़्यादा हील के चक्कर में मैं गिर जाती हूँ खामा, जैसे वहाँ गिर गई थी। कैसी लग रही है? बहुत सुंदर लग रही है। गाइस वेलकम टू सिक्स थर्टी ब्लॉग। सो अभी आपने पहले देखा था हम मैं गई थी राजौरी गार्डन, एज यू मैंने अपने हेयर कलर कराया था, फुट वेयर वगैरह ली थी। एज यू ऑल नो शादी फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन। तो आज हम कहाँ आए चांदी चौक, नहा के आई है? नहीं मैं नहा के आई हूँ। कब आए चांदी चौक मार्केट देख के? वैसे ही पता होगा आज ही नोट करना बिकॉज मैं बीमार हूँ, और मैं नहा के आई हूँ। सब रहे यहाँ पे सफारी और वीआईपी, पहले वीआईपी चले कहाँ गई हो गई, वीआईपी आ जाना पहले। मेरी तो आवाज़ इतनी बुरी हो रही है, दिस ब्लू वन इज नाइस यार। मैंने वो कैसे पैक होके आई हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड में आई हूँ, फुल पैक होके। देखो कौन सा वाला, अब हम आ गए हैं एनवलप लेने के लिए। नहीं मिला भैया वो वाला जो मैं कह रही थी, वो नहीं है, वो नहीं है इनके पास। अरे किनारे बाजार कौन सा वाला पसंद है? जब हम चलते चलते इतनी दूर आए हैं यहाँ पे मेट्रोपोलिस
की बैच सामान लेने और ये वाली फाइनल हुई है, बट मैं दिखाऊंगी नहीं ये वाली। गाइस अब हम आए हैं कान्हा जी के पोशाक लेने के लिए, तो ये सब हमने पसंद कर लिए है। नहीं ये साइज बड़ा है, सबसे अच्छे लगे ये सेट मिल गया हमें पूरा है ना, ये और कलर नहीं मिला, नहीं तो मैं सबका ऑरेंज ही ले लेती। गाइस हमने लिए एनवेलप्स एज यूजुअल, ये चाहिए तो ये एनवेलप, ये हमने लिए सूट पैक करने के लिए जिपर कवर, जिपर बैग जिसे आप कहते हो जिपर बैग। वहाँ पे मेट्रोपॉलिस की बेडशीट थी तो एक मैंने ये ली, और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ से ली है, बहुत सुंदर है, तो वो मम्मी लेके आएगी। हाँ उठा के लाओ। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ लगी थी भगवान जी के कपड़े, और उससे भी अच्छी चीज़ ये लगी थी कि मुझे सबके सेम डिज़ाइंस मिल गए, ये भी ऑरेंज 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 ऑरेंज, एंड कलर में थोड़ा बहुत फ़र्क एक लगी है, रेड है वो वाइन है ना मम्मी, कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना सबके, और ये इनकी सारी ज्वेलरी वगैरह एक्सेसरी सब चीज़ें। गाइस हम आ गए अब घर, मेरी आवाज़ और रही से भी बैठ गई। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, मम्मी रिवील कर दूँ है? तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ ये रिवील करूँ, मम्मा खोलना ट्रंक इसका, मम्मी हाँ जैसे स्कूल के बैग्स नहीं खुलते टिचक टिचक बटन वाले वैसे खुलेगा ये। अच्छा है मैंने ऑनलाइन ही लिया, मार्केट गई तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट ही मिला, उधर से खुल गया, खोल दो। सो गाइस दिस इज द, दिखाना उसमें दिखाना डिस्प्ले में, दिस इज द बेडिंग सेट फुल, कलर्स इसमें यही थे, तो तीनों में मुझे सबसे अच्छा कलर ये है पसंद आया। अब ये है क्या मैं आपको दिखाती हूँ, सो मम्मी दिखाएगी क्या है। गाइज ये है इसके कुशन कवर्स, ये वेलवेट में ऑलमोस्ट के मतलब वेलवेट में ही है। ये है पिलो कवर्स, मतलब बिल्कुल एकदम रॉयल लुक वाली है। ये क्या है पिलो कवर? अच्छा पिलो कवर दिखाना, पिलो कवर कोई नहीं मैं लगा दूंगी तेरे। नहीं ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है ये वाला। ओके तो गाइज ये ब्लैंकेट है, निकालो ना पूरा ही निकाल दो, कोई नहीं। ये बेडशीट है, ये बेडशीट पे भी देखो पूरा साइड में ना बॉर्डर बहुत सुंदर है, ये अच्छा लग रहा है ना। अब इसके साथ में दिखाती हूँ जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज हमें लगी, मतलब यूजुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ये है, इसमें दो पेयर स्लीपर्स, ये मेरी ये ऋतिक की, ये दोनों हमें पेयर मिले हैं, दो दो है ना इसमें। इसके साथ और है ये बेड साइड रनर, तो एक है छोटा रनर और एक है ये पूरा लंबा रनर जो बेड्स के आगे रनर्स डलते हैं, साइड में एक फ्रंट में। हाँ ये फ्रंट में डलेगा वो साइड में डलेगा, तो मुझे ये इतना सुंदर लगा था ना, पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद आप देख सकते हो इतना थोड़ा सा सामान आया भी था। बाकी हाँ हम वहाँ पे जब मैं खरीदती हूँ तो मैं वो सारी चीजें नहीं दिखा पाती हूँ क्या लिया क्या नहीं लिया, क्योंकि एक तो चांदनी चौक में बहुत ज्यादा रश होता है एज यू ऑल नो। तो हाँ मैं घर आके एक छोटी से छोटी चीज भी जो मैं लाया करूंगी वो मैं दिखा दिया करूंगी गाइस। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया पर्सनली, तो गाइस मुझे एक ये परांदा अपने लिए बहुत पसंद आया, तो ये परांदा मैं शादी में तो नहीं लगाने वाली बट यस मैं लेके जाऊंगी। मम्मी कैसा लग रहा है? हाँ तो मैंने लिया ये अपने लिए परांदा, मुझे अच्छा लगा। और मैंने ली ये क्लचेस, देखो मुझे ये क्लचेस सबसे अच्छी लगी, क्लचेस के भी बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन थे, तो अभी तो मैंने और ले लिए मेरे को 3-4। अब मैं दिखाती हूँ एक चीज़ और स्पेशल जो मैंने बहुत मेहनत से ली है, मम्मी इसे दिखाना बॉक्स को आगे। ये हम पूरे चांदनी चौक में ऐसे नहीं खुलेगा रुको, पूरे चांदनी चौक में घूम के जब हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि लगन पे जो बॉक्स जाएगा वो कैसे बनाना है, तो ये मैंने लिया एक बॉक्स वहाँ से, सबसे ज़्यादा टाइम पकड़ना इसी को हमें वहाँ पे लेने में लगा, उससे अलग फिर हमने लिए ये जार्स और अलग से लिए लगन पत्ते का, तो ये बॉक्स जब जाके मैंने रेडी कराया, ये पूरा बॉक्स ऐसे नहीं था, तीनों चीज़ें अलग अलग ली है, बॉक्स अलग लिया है, ये अलग लिया, ये अलग लिया, जब जाके पूरा कॉम्बो बनाए। तो कैसा लग रहा है हमारा कॉम्बो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। One more thing guys, you all are waiting for our wedding date, so जितना आपने वेट किया थोड़ा सा बस थोड़ा सा और वेट कर लो, फिर बहुत जल्दी वेडिंग डेट भी हम लोग रिवील कर देंगे, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सो सून वी विल रिवील द डेट। एंड मेरी आज की शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।